ए भावना वो फूल वाला आ गया, तुम अभी तक यही हो? आए नहीं, चले चले। ऐसा क्या? कहाँ चली तुम झाड़ते हुए? ये महोत्सव है, इसका मतलब क्या है? घर वाले भी व्रत रखे, नाश्ता बनाओगी, उसके बाद जहां मर्जी चली जाना। भाभी नाश्ता बना दिया है। कपड़े, कपड़े जो भिगो के रखे हैं उसका क्या? उठते ही सबसे पहले कपड़े धोए थे भाभी, उसी के बाद नाश्ता बनाया था। यहाँ खड़े खड़े तुम्हें काम गिन रहा है क्या? हाँ भाभी, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, चलो। भाभी सुनिए ना, आपको काम गिनने की भी कोई जरूरत नहीं है, बेकार में आप थक जाएंगी ना। और वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया, देखिए। आप तो बस आराम से सेठानी बनके पैर पसार के यहाँ पे बैठिए और ये सोचिए कि हम दोनों को अगला काम क्या देना है, तब तक हम लोग होके आते हैं। सोचिए, हाँ भाभी आते, चलो चलो देर हो रही। अरे भावना तुम कहाँ रह गई थी भाई, और मूर्ति कहाँ है? भाभी वो कल चला गया। चला गया मतलब वो अपने गांव चला गया, और कब तक आएगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब मूर्ति कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी इतने कम समय में। हे भगवान, अब ये कौन सा नया रायता फैल गया? तो कल सुबह है ना, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति हम एक रात में कैसे मैनेज करेंगे? हाँ भाभी, अगर मूर्ति टाइम पे अरेंज नहीं हुई ना तो अलग ही रहता फैल जाएगा। भावना सुनो, सबको बता देंगे। देखो मूर्ति वाला चला गया, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, बता देते हैं। हाँ नहीं ताजी, अगर बता दिया ना तो वो लोग मौका नहीं छोड़ेंगे हमें बातें सुनाने का। बोल सियावर राम चंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान जी अब आप ही सब संभालिए। महाआरती जरूर होगी और भव्य होगी।